हाय दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए, इस एक्सेल की इस सीरीज में अब हम जानते हैं हम अपने फाइल पर पासवर्ड क्या कैसे लगा सकते हैं, या एनक्रिप्ट विद पासवर्ड जो फीचर होता है हमारे एक्सेल में वो क्या होता है। तो उसे जानने के लिए चलिए दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं एनक्रिप्ट विद पासवर्ड होता क्या है। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप अपनी फाइल को लोगों को खोलने, उसे मॉडिफाई करने या कुछ उसमें अनयूजुअल चेंजेस करने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रहना चाहिए, आप अगर अपनी ये बात जरूरी है कि आपने अगर पासवर्ड आपने लगाया है फाइल पे, तो पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बाद में वो पासवर्ड रिट्रीव नहीं हो सकता है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट उसे रिट्रीव कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि अपनी फाइल और पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले जानने से पहले दोस्तों, चलिए मैं अपना एक्सेल खोलता हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से चलते हैं हम इन्फो नाम से, इन्फो में गए, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाना है हमें। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद हम जाना एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, दिखाया रिक्वायर्स अ पासवर्ड, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, आपसे कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड डालें। मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ 1। क्या डाला मैंने पासवर्ड? 1 डाला और ओके किया। देखिए री एंटर करने को कह रहा है, तो री एंटर किया 1 और ओके। अब दोस्तों, मुझे अपनी फाइल में मैंने पासवर्ड तो लगा दिया, पर मुझे इसे सेव करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैं इसे सेव कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। चलिए, हमने इसे सेव कर दिया बुक वन के नाम से, अपने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने डेस्कटॉप पर चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको फाइल दिखाई दे रही है। अब मैं इसे डबल क्लिक करके, पहले मुझे इस फाइल को क्लोज करना होगा, क्लोज किया। अब मैं इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो चलिए, ओपन कर दी मैंने, देखिए ओपन हो रही है। तो मुझसे देखिए दोस्तों, पासवर्ड पूछ रहा है। मैं इस पे 1 डालता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरी फाइल खुल चुकी है। अब अगर मैं पासवर्ड हटाना चाहता हूँ, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे वापस इन्फो में, वर्कबुक पर, और मार्क इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे से इसे हम यहाँ से मिटा देते हैं और ओके दबा देते हैं और अपनी फाइल को सेव कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने सेव किया। अब मैं इसे बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस बार मुझसे इसने पासवर्ड नहीं मांगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।